Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shuti Jha and today we'll be covering a new scheme.

अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंडिया में काफी बढ़ रहा है ठीक है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है तो इंडिया में जॉब्स इसका मतलब काफी कम है तो अगर खुद के स्टार्टअप लो क्रिएट करेंगे और खुद का दिमाग लगाएंगे इनोवेशन लेकर आएंगे क्रिएटिविटी लेकर आएंगे कि कैसे हम uh, और भी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं तो उससे फर्दर और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और सस्टेनेबिलिटी भी आ सकती है इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप में ठीक है व्हाट इज एम तो आपको पता है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है वो 2016 में लेकर आया गया था ठीक है नीति आयोग जो है वो इसको एडमिनिस्टर करता है और इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो मेजर पार्ट एक आपको देखने को मिले थे वो हम देख रहे हैं कि कॉम्पोन इसके क्या थे तो पहले तो था आपका अटल टिंकरिंग लैब्स जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ए भी बोलते बोलते हो हो ठीक है 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 फिर फिर आपका 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 अटल 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 सेंटर सेंटर जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में फिर नेक्स्ट आपका है न्यू इंडिया चैलेंज देन देन फोर्थ आपको देखने को मिलेगा मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम फिफ्थ कम्युनिटी इनोवेशन एंड रिसर्च और अगर आप अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करो एटीएल की अगर हम फर्दर बात करें तो ये कोशिश की जाती है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में हायर एजुकेशन में सिक्स टू ट्वेल्थ तक के जो बच्चे हैं वहाँ पर एक ऐसा लैंडस्केप क्रिएट करा जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेसिफ़िकली कि उनको रोबोटिक्स की जानकारी दी जाए उनको डिज़ाइनिंग की जानकारी दी जाए थ्री डिज़ाइनिंग की उनको जानकारी दी जाए उनको आई के बारे में बताया जाए और कैसे उनके क्रिएटिव माइंड्स क्योंकि आपको पता है कि बच्चों का जो दिमाग होता है उसमें बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे होते हैं ठीक है उनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो हमारे पास भी नहीं होते तो उनको अगर हम उस वे में भी सोचने की एक एबिलिटी देंगे कि ओके ऐसी भी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है और हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं फॉर आर बेनिफिट तो उनको और ज्यादा हम एक नर्चर कर सकते हैं एक बड़े लेवल पे और हो सकता है कि इसमें से बहुत बहुत सारे अगर हम उनको एक बहुत ही छोटे लेवल पे स्कूल लेवल पे ही ये सब चीजें सिखाने की कोशिश करें तो लेटर ऑन ऐसे बच्चे बहुत ही एक बड़े ऑन्टरप्रन्योर बन के उभर के सामने आए ठीक है ये आपका ए हो गया ये आपके ए टी एल लैब्स जो है वो स्कूल्स में डेवलप किए जा रहे हैं फिर आप अटल टल इंक्यूबेशन सेंटर्स की अगर आप बात करो एआईसी की बात करो तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक प्रोमिसिंग लैंडस्केप प्रोमिसिंग एरिया आपको क्रिएट करके दिया जा रहा है जहां की आपकी इनोवेशन जो है उसको आपको नर्चर करने का मौका मिलेगा और ऐसी बहुत सारा फैसिलिटीज जो है इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे देखने को मिलेगा फिर ऐसी बहुत ज्यादा आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि भाई किस से आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है काफी ज्यादा आपको स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी बिल्डअप स्टार्टअप्स हैं उनसे जुड़ने का आपको मौका मिल सकता है ठीक है तो ये आपके हो गए फेमस कॉम्पोनेंस ऑफ एम नाउ कमिंग टू दिवस ऑफ एम टू पॉइंट ओ तो वर्जन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी सेम ही ऑलमोस्ट तो आप देखो इट एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इनोवेटर्स एंड ऑनप्रन इन द द द कंट्री देन इज इट सीक्स टू सक्सेस रेट ऑफ दीन ऑब्वियसली आप देख रहे हो अभी धीरे 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 हम देख रहे हैं कि यूनिकॉर्न की जो लिस्ट है इंडिया में बढ़ती चली जा रही है ठीक है वो क्यों बढ़ रही है क्योंकि एक अगर आपने शार्कटैंक देखा होगा तो शार्कटैंग में आपको पता चलता है कि बहुत ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि हम भी सोचने हैं अपने माइंड्स में कि यार ये आइडिया कैसे इनको आ सकता है या फिर इस आइडिया से बिजनेस कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो एक इनोवेशन वाली चीज होती है ठीक है क्योंकि आइडिया सबके पास होते हैं बट उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन हमको कैसे करना है वो लोगों को पता नहीं होता है और सर्टेनली सम पीपल ऑल्सो लैक इन द फेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ठीक है इन्वेस्टमेंट की भी कमी होती है मेंटोरशिप की भी कमी होती है आइडियाज तो ऑब्वियसली हैं बट अगर मेंटोरशिप नहीं है गाइडेंस नहीं है आपके पास

है. तो वहां पर हमको क्वालिटी सर्विस देखने की जरूरत है कि अगर आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो तो आपकी वहां जॉब है, है और आप वहां पर अपनी जॉब करने से भी आप खुश हो ठीक है तो यहां पर आपकी क्वालिटी सर्विस डिलीवरी की बात करी गई है Now key programs under AIM 2.0. अब इसमें देखिए दो major programs की पहले तो बात करी गई है कि भाई आपको 22 language में एक program आप लेकर government जो है वो लेकर आएगी language inclusive program of innovation which in short form is known as LIPI L I P I ठीक है इसमें आपको 22 official languages inculcate की जाएंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा information आपको वहाँ उन languages में मिले जिससे आपका linguistic barrier जो है वो create ना हो क्योंकि language का barrier बहुत ही एक minor बैरियर होता है और ऑब्वियसली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं तो अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हमको और ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिल सकते हैं और कल्चर और ज्यादा बढ़ सकता है पैन इंडिया ओके फिर अगर आप सेकेंड अगर बात करो तो दूसरा जो आपका प्रोग्राम है वो है फ्रॉन्टियर प्रोग्राम जिसमें ऐसे स्टेट्स में ऐसे एरियाज में फोकस रहेगा जहां पर स्टार्टअप कल्चर अभी पहुंच नहीं पाया है या फिर पहुंचने वाला है ठीक है और ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है तो आप देख लीजिए भाई जम्मू कश्मीर हो गया आपका फिर आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया ठीक है तो यहां पे आपकी अटल टेंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर आपको एक इनोवेशन एक स्टार्टअप की परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी और स्टार्टअप को कैसे सक्सेसफुल बनाए उसके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद आप देखो कि और ज्यादा इसमें क्या की बात करी गई है और कौन से इसमें सपोर्ट हैं, तो, पहला तो आपका हो गया से रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट तो वहां पर आप पूरा रिलेट कर पाओगे कि ह्यूमन कैपिटल कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ और यही उसमें बात करी गई है कि भाई आप प्रोफेशनल्स को ट्रेन करो क्यों ट्रेन करोगे अगर इनोवेशन आपको लेकर आनी है तो तो एक रॉ आइडिया से आप कभी भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप क्रिएट नहीं कर पाओगे उस आइडिया को आपको नर्चर करना पड़ेगा कैपिटलाइज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और जिस पर्सन को भी आपको एक अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके आप कहीं इमेजिन कर सकते हो कि आपकी ग्रोथ होगी ठीक है फिर उसके बाद सेकेंड आपका आ जाता है डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें आपके जो डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं उनको असिस्ट किया जाएगा डीप टेक्नोलॉजी में आप अगर देखो तो क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है ये सारे जो है वो डीप टेक स्टार्टअप्स में आते हैं उसके बाद आप देखो कि स्टेट इनोवेशन मिशन तो यहां पे स्टेट्स में भी कोशिश की जाएगी स्टेट्स में कैसे हम स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं उस पर जो है वो काम किया जाएगा फिर उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल इनोवेशन कोलैबोरेशन प्रोग्राम देखो तो यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करी गई है कि हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है अगर आप यूएस के कॉन्टेक्स में देखो कंपेयर करो तो आपको देखने को मिलेगा कि यूएस में बहुत ही एक अच्छा सक्सेस रेट है स्टार्टअप्स का एंड एवरी सेकेंड अदर पर्सन इज डूइंग एंड इज मेंटेनिंग द स्टार्टअप एंड गेटिंग हैवी प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैम ठीक है वो कल्चर हमको अगर ऐसी कंट्री से काफी सीखने को कुछ मिल रहा है कि और कैसे हम एडवांस हो सकते हैं तो वहां पर आपका ये वाला जो प्रोग्राम है वो आपका बेनिफिशियल होगा नाउ कमिंग टू क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम तो अब जो नेक्स्ट आपके दो component quality improvement program इसमें आपको बताए गए हैं वो है पहला आपका इंडस्ट्रियल एक्सिलेटर प्रोग्राम इसमें क्या होगा कि भाई इंडस्ट्रीज को एंगेज किया जाएगा कि कैसे आप स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सकते हो ठीक है इंडस्ट्रीज तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉल करती हैं और स्टार्टअप में इंडस्ट्रीज का कैसे आप फायदा उठा सकते हो वो इस प्रोग्राम के अंडर फॉल करेगा इंडस्ट्रियल एक्सलेटर प्रोग्राम के अंडर और सेकेंड आपका है अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड विच इन शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज ए एस आई एल इस प्रोग्राम के चलते क्या होगा कि जो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं ठीक है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का आपको एक आइडिया मिलेगा वहां पे आपको काम करने को मिलेगा कि स्टार्टअप्स जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का में एक हेल्प कर पाए और स्टेक वहां पे देख पाए कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में स्टार्टअप का क्या मदद हो सकती है वो इस प्रोग्राम के अंडर फॉल करता है सो दिस इज द एंड ऑफ एम टू पॉइंट ओ आई होप आपको एक इंसाइट मिला होगा कि एम टू पॉइंट ओ क्या है इसी के साथ मंडे को ये कैबिनेट uh, में इस एम टू पॉइंट ओ को डिक्लेयर किया गया था और इसी के साथ जो है वो दूसरी भी एक और स्कीम आई थी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम तो वो भी आप देख सकते हो आई एस चैनल पर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू तिल दिन पढ़ते रहिए खुश रहिए जय हिंद जय जाह भारत